मार्केट धरान का मेन मार्केट हुआ। और आप अगर आ रहे हैं इंडिया से आ रहे हैं या कहीं और से भी आ रहे हैं तो दोस्तों यहाँ चीज़ें महंगी मिलती है, कोशिश करें कि अपना सामान आप लेकर आ गए। दोस्तों गड़बड़ हो चुका है यहाँ, हम लोग जैसे ही एंट्री किए चढ़ाई पे, और चढ़ाई पे आने के बाद जो है बारिश होने लगी। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये है नज़ारा, आप देख रहे होंगे कि हम लोग पहाड़ पे हैं और ये पहाड़ के नीचे का नज़ारा है। मोमोज खाने के लिए रुके हैं और इनके यहाँ से मोमोज खा रहे हैं। सबसे अलग पहचान अपनी, माज कर दी वाह बेटे वाह। लेकिन गाना में कहता है इनकी बादलों से ऊंची उड़ान इनकी, हम वो कहेंगे कि बादलों से ऊंची उड़ान अपनी, सबसे अलग पहचान अपनी, हमसे है प्यार की कहानी मंसूब, आती जाती सबकी रवानी मंसूब। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं भेड़े टायर के शहर में, होटल वगैरह कुछ खाने को, जो भी खाना हो पीना हो जो भी करना हो करने के लिए आपको बेस्ट जगह है ये। दोस्तों हम लोग भेड़े टायर के इस फोटोशूट पॉइंट पे खड़े हैं और यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। और आप ये पीछे पीछे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि किस तरीके का ये व्यू है, और ये हमारे नौशाद भाई फोटो खिंचवा रहे हैं, और ये इनसे मैंने नहीं मिला है, ये हमारे ब्रदर इन लॉ है वो भी साथ में है, और ये हमारे नेपाल से ही एक दोस्त हैं जो कि हम लोगों के साथ आए हैं घुमाने के लिए। हाई कर दीजिए। ओके, और मेरे पीछे आपको ये टेंपल से दिख रहा होगा, क्या ये मंदिर है? ये मंदिर ही है, लेकिन यहाँ के मंदिर का ये थोड़ा सा डिज़ाइन लुक भी अलग है। हालांकि यहाँ से ये व्यू फोटो पॉइंट ही इसको कह लीजिए, मेरे पीछे जो यहाँ पर से व्यूज के लिए ये बनाया हुआ है पॉइंट, बादल होने की वजह से जो है यहाँ पर सही से देख नहीं पा रहे हैं और दिखाई नहीं दे रहा, नीचे बादल है। थोड़ी थोड़ी तो धूप हो चुकी है, और धूप होने के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा टेम्पल का दिखा दूँ, ये देख रहे होंगे दोस्तों ये टेम्पल है और यहाँ नेपाल के लिए, और भी आगे चलते हैं आगे भी दिखाएंगे कुछ। दोस्तों यहाँ भी मुर्गा देखने को मिल रहा है, देखिए मुर्गा पाला हुआ है, और उसके पीछे जो ये आप व्यू देख रहे होंगे ये देख रहे हैं बादल चल रहा है, ये बादल है, हम लोग बादल की ऊंचाई पर हैं इस वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, या समझ में आ रहा होगा वो तो बाद में पता चलेगा वीडियो के लास्ट में। ये हसी वादियाँ है, रुकिए ना पहले वीडियो तो बन जाए, अब यहाँ पर फिर बनाइएगा, गजब बेइज्जती है। हाय, मजा आ रहा है नौशाद, आपको तो मजा आ रहा होगा बहुत ज्यादा, कितना मजा आ रहा है? 99% कितना दूर और चलना है? 100 किलोमीटर। आपसे पूछ रहे हैं 9 किलोमीटर आ रहा है, 9 किलोमीटर और जाना है। दोस्तों देखिए ये वादी, ये फिजाएं, ये मौसम, ये समा, ये रंगीन नज़ारे, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं कुछ पता नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो खाने के लिए कुछ ले लेते उधर से ही, उधर तो Hear me out. It's all good.
रहे हैं और ये सड़क जो है नीचे की ओर जा रही है और ये दाएं बाएं, बाएं भी हमारे पहाड़ हैं लेकिन दाएं जो है सो खाई होते हुए ये पहाड़ जो दिख रहा है आपको बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो ये देख रहे हैं आप ये नज़ारा और ये नीचे की सड़क देख रहे हैं आप, मैं दिखा दूँ जो रोड जा रही है उसी रोड से हम लोगों को और नीचे की तरफ जाना है, यानी नीचे से हम लोग ऊपर की ओर गए हैं और ऊपर से फिर हम लोग नीचे आ रहे हैं। और देख रहे हैं आप इसी सड़क होकर नीचे जाना है और नीचे गए जाना है तब नमस्ते झरना तक पहुंच पाएंगे हम लोग। बाइक से आने का फ़ायदा ही यही होता है कि सारा व्यू एंगल सब कुछ कवर करते हुए चलना। चलिए दोस्तों फिर चलते हैं, कुछ नया दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों फाइनली हम नमस्ते झरना पे आ चुके हैं, ये देख रहे हैं कितनी ऊंचाई तय करके और कितनी गहराई तय करके हम लोगों को नमस्ते झरना पे आना पड़ा है और यहाँ आने के बाद कुछ अलग ही तरह का मज़ा होने वाला है। दोस्तों जो हमारे साथी आगे बढ़ चुके थे वो यहीं नमस्ते झरना पे रुके हुए थे। क्या ले रहे हैं? चाव चाव, भूख लगी है सबको। चाव चाव बना के खाने वाला या बना हुआ? जैसे भी चाय खा सकते हैं। अच्छा जैसे भी चाय खा सकते हैं। दोस्तों ये सामने गाड़ी लगाकर हम लोग आए हैं, आने के बाद ये प्रवेश द्वार से प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करते हुए अभी मैं आपको दिखाता चलूं, ये जो साउंड सुन रहे हैं आप यही पानी का साउंड है, झरना है। दोस्तों चलते हुए दोस्तों मेरी हालत खराब, मेरा साथी से जो आईडी मांग रहा था मैंने कहा कि इनसे 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 अच्छा तो मैंने कहा कि ये भी जो है भुटा के गांव के हैं तो फिर उनको भी छोड़ दिया। जब आप लोगों ने जब हिंदी में बात की, दोस्तों ये देख रहे हैं किस तरीके से पानी गिर रहा है और लोग एंजॉय कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। आप लोग भी यहाँ आइए और एंजॉय कीजिए। अब हम लोगों के जाने का वक्त हो चुका है, बहुत ही कम खर्च में ट्रिप को आप पूरा कर सकते हैं, इसमें लागत बहुत ही कम है। यहाँ पर आपको कुदरती चीज देखने को मिलेगा, यहाँ पर जब आएंगे आपके अंदर से एक अच्छा फील होगा।